ठाकुर की रिपोर्ट, ACN24। मुंगेली जिले में पुराने विवाद को लेकर दो दोस्तों ने अपने ही एक दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के बाद शव को नदी में बने एनीकट में फेंक दिया था। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। शराब की नशे में तीन दोस्त पहले जमकर शराब पिए, फिर पुरानी रंजिश को लेकर दो युवकों ने मिलकर एक की हत्या कर दी। मामले की विवेचना कर रही पुलिस भी उस वक्त चौंक गई जब पता चला कि मृतक युवक का हमदर्द बनने वाले गांव के ही दो अन्य युवकों ने घटना को अंजाम दिया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के जगता कापा गाँव का है, जहाँ के निवासी हितेश साहू 3 सितम्बर से गायब था। काफी खोजबीन करने के बाद परिजनों ने 5 सितंबर को सिटी कोतवाली पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके दूसरे दिन यानी 6 सितंबर को जिले के पथरिया थाना क्षेत्र के खैरी गांव में नदी पर बने ए निकट में एक अज्ञात युवक की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त सिटी कोतवाली में गुम इंसान कायम नितेश साहू के रूप में की गई। मामले की जाँच करने के लिए SP चैनदास टंडन ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश्वर चंदेल एवं DSP तेजराम पटेल के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई थी। जांच टीम ने लगातार संदेहियों से पूछताछ की। इस दौरान आरोपी ललित कारके व महेंद्र कर्माकर से कड़ाई से पुलिस ने जब पूछताछ की तो आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक नितेश से उसकी पुरानी रंजिश थी। 3 सितंबर को मृतक नितेश के साथ गांव के सांड को भगाने के बाद 11 बजे तक तीनों ने मिलकर जमकर शराब छलकाई। इस दौरान दोनों आरोपियों के बीच वाद विवाद इतना चढ़ा कि एक आरोपी ललित कारके ने नितेश के सिर पर लाठी से हमला कर दिया। इसके बाद दूसरे आरोपी महेंद्र कर्माकर, जो अपनी पेंट में बेल्ट की जगह रस्सी बांधता था, उसी रस्सी से दोनों ने मिलकर नितेश का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। एडिशनल SP कमलेश्वर चंदेल ने बताया कि हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने शव को छिपाने के लिए नदी में फेंक दिया था। वही घटना में प्रयुक्त लाठी एवं रस्सी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस के बताए अनुसार मृतक के मोबाइल को भी आरोपियों ने जला दिया था। मामले की गुत्थी सुलझाने में सिटी कोतवाली और साइबर सेल टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मुंगेली में पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। 3 तारीख को जगता कापा के रहने वाले नितेश कुमार साहू, जो सुबह से अपने मित्र के साथ निकले थे, उसकी गुम इंसान की रिपोर्ट थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में 5 तारीख को दर्ज कराई गई थी। गुम इंसान की लगातार पता तलाश जारी थी, इसी बीच ये सूचना मिली। 6 तारीख को शाम को सूचना मिली कि आगर नदी खैरी के पास एक डेड बॉडी मिली हुई है। तत्काल पुलिस टीम सक्रिय हुई। पथरिया नज़दीक है तो सबसे पहले पथरिया की टीम गई, वहाँ पर उसने प्रारंभिक कार्रवाई की, फिर अपराध पंजीबद्ध करके डायरी ट्रांसफ़र की और विधिवत जो है थाना सिटी कोतवाली में 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। इस दिशा में घटना कैसे हुई, लगातार इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ और घटनाक्रम में ये तथ्य सामने आया कि 3 तारीख को सुबह से वो निकला था और रात्रि 10 बजे के आसपास अपने गांव जगता कापा पहुंच चुका था। इसी बीच ललित और महेंद्र नाम के दो व्यक्ति, जो उसके गांव के ही निवासी थे, उसके मित्र भी रहे हैं, उनके साथ उसने मृतक ने शराब का सेवन किया, बहुत अधिक शराब सेवन किया था। साथ ही साथ एक पशु को भी भगाने का कार्य किया। इसी बीच उनके बीच विवाद हुआ। विवाद के पश्चात ललित ने लाठी से मृतक नितेश के सिर को मार दिया और दूसरे उसके भाई ने, ललित का भाई महेंद्र ने, रस्सी से उसके गले को दबा दिया और डेड बॉडी को नदी में छोड़ दिया। ये 3 तारीख की रात की घटना है। 2 दिन पश्चात जो है 6 तारीख को बॉडी मिली है। साथ ही साथ मृतक के मोबाइल को उन्होंने जला दिया था। इस तरह से एक महत्वपूर्ण मामले का खुलासा हुआ है। सर, विवाद की वजह क्या थी? विवाद प्रारंभिक जो जानकारी मिली है उसमें विवाद की वजह प्रारंभिक जो शराब सेवन किए थे, जिसकी वजह से अचानक विवाद हुआ, ये बताया गया है इसमें। मुंगेली से नीलकमल सिंह ठाकुर की रिपोर्ट, ACN24। ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए ACN24। नमस्कार।